ऐसा माना जाता है कि दुनिया में डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं। हाल ही में पूरी दुनिया में चल रहे कोरोना संकट के दौरान डॉक्टर्स ने दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा करके इस बात को सही साबित किया। लेकिन तब क्या हो जब यही भगवान रूपी डॉक्टर्स अपनी लापरवाही से किसी मरीज की जान जोखिम में डाल दे। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, जहां जिला महिला अस्पताल में सीएमएस सुषमा खड़वाल ने अपनी लापरवाही दिखाते हुए मोबाइल टॉर्च के सहारे महिला का प्रसव करवा दिया और महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। 5 जून को हुआ था, जिला महिला अस्पताल में डॉक्टर सुषमा खड़वाल ने किया था ऑपरेशन। के फौरन बाद से मेरी बीवी को पेट में दर्द और पेट में दर्द होने लगी। लखीमपुर में आया तो उन्होंने कहा कि जो भी परेशानी है केवल ऑपरेशन से ही ठीक होगी, इसका दवा से कोई इलाज नहीं। तो हमने तुरंत ऑपरेशन कराया तो वहाँ पर पेट में तौलिया निकली। दोबारा मिले, हमने उनको अवगत कराया इस मामले में, लेकिन उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा कि जाओ मेरा गला काट लो, मेरी गर्दन काट लो, आके जाओ, जो कर सकते हो कर लो। थाना कोतवाली में जाकर एक एप्लीकेशन दी जाके कि FIR लिखी जाए डॉक्टर साहब के खिलाफ, लापरवाही के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने फिर SP ऑफिस में, CMO ऑफिस में और DM साहब के कार्यालय में एक एप्लीकेशन दी है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई डॉक्टर सुषमा पर नहीं हो रही है। इसके लिए हमने कोशिश की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।